वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। सभी प्यारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कांग्रेस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 135 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफर में देश प्रेम, निडरता, बगैर स्वार्थ जन सेवा की भावना, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस के सामने आज़ादी के संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस जन देश सेवा और भारत की आज़ादी के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। जेल काटी, काला पानी गए, लाठियां खाए, गोलियों के आगे कड़े हो गए, जान की कुर्बानी दी, पर आज़ादी के लिए लड़े और देश को आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने देशवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूत भारत की नींव रखी। आज फिर परिस्थितियां आज़ादी से पहले ही की तरह हैं। जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं, चारों ओर तानाशाही का आलम है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खेत खलिहान पर हमला बोला जा रहा है और देश के अन्नदाता पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को एक बार फिर तानाशाही ताकतों से बचाएं और उनसे लोहा लें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जिस तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी हासिल की थी, आज उसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें एकजुट होना होगा। कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना होगा। यह तिरंगा और कांग्रेस देशवासियों के जीने का हौसला है, लोगों की आशाओं का प्रतीक है और देश का गौरव है। इसी को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। आम जन के दिलों को जीतना है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम प्राण ले कि देश के संविधान, प्रजातंत्र और देशवासियों के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे।